मैंने YouTube चैनल दिया था। हकीकत बात है, YouTube चैनल पर अभी तक जितने लोग इधर मीटिंग क्लास मीटिंग अटेंड करते हैं उनमें से किसी ने भी जाकर सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब ना। और ऑलमोस्ट टाइम व्यू का तो खैर पता नहीं चलता किस किस ने देखा, सब्सक्राइबर का पता चल जाता है कौन कौन सब्सक्राइबर रहे। तो कल का मैं जो कल जो एक्सेल का वीडियो था मैंने अपलोड किया था, और जैसे बाय द वे रिव्यू करने के लिए लोग कम से कम आ ही जाते हैं, और हकीकत बात है कल के वीडियो पर आज तक एक भी व्यू नहीं है। इससे पता चलता है कि कोई ना तो देखने आया है और ना ही उसे सुनने की किसी ने कोशिश की है। रंजना जी स्टॉप रेडर ने कर दीजिए। रंजना जी स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दीजिए। ओके, तो बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि वो YouTube की, तो YouTube में नॉर्मली मैंने एक बार और आज अभी लिंक शेयर किया YouTube चैनल की मेरे की, और कल का जो एक्सेल का वीडियो उसकी लिंक शेयर किया। तो जाएं और अगर सब्सक्राइब करना हो तो कर ले, नहीं तो अपना ये यूट्यूब वो सॉरी जो भी रिवीजन वगैरह जो होता है वो इधर जाके कर ले। जो मैं पढ़ाता हूँ वही सेम को सेम, यानी वापस रिवाइज करना हो, किसी को समझ में नहीं आया समझना हो तो वापस आके उधर आके समझ सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है कि भाई ऐसा करना ही है, अगर समझ में नहीं आता तो जाके एक बार देख लो। और बेहतर ऑप्शन ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा करना ही है, लेकिन अगर करेंगे तो वो बेहतर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल। तो आपके सामने मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होगी और जिस पर एक्सेल खुला हुआ है। तो एक्सेल में कल जो मैंने बताए थे कि जैसे कि नॉर्मली मैंने बताया कि डाटा कैसे लिखते हैं, अगर डाटा में लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे डाटा बड़ा हो रहा है या 10 या 20 अंक कैसे लिखने हैं तो उनको कैसे सही करेंगे, फॉर्मेट चेंज करना बताया, जैसे कि नंबर फॉर्मेट में लेना, साइंटिफिक फॉर्मेट में लेना, फ्रैक्शन में लेना, अलाइनमेंट चेंज करना, फॉर्मेट पेंटर का यूज करना, सेल इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, सेल डिलीट करना, कॉलम डिलीट करना, ऑटोफिल करना, ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताई हुई थी। ओके, इनमें से जो क्वेरी हो वो आप लोग पूछ सकते हैं, और इनमें अगर क्वेरी ना हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली देखो, ऐसा मैं बिल्कुल 100% में बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ या पहली क्लास ले रहा हूँ। अभी तक के रिकॉर्ड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को बताया एक्सेल स्टार्ट किया फर्स्ट डे और फर्स्ट डे एक्सेल में किसी को कोई क्वेरी ना हो। नॉर्मली एक्सेल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और चलाने में भी थोड़ा कठिन है, और फिर भी किसी को कोई क्वेरी नहीं है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आप लोग। अगर इंटरेस्ट ले रहे होते सीखने में तो जरूर कोई ना कोई क्वेरी आती, क्योंकि एक्सेल इतना आसान नहीं है जितना कि आसानी से इधर हो रहा है कि बस स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद मैंने एक घंटा बोला, एक घंटा बोलने के बाद मैं खुद शांत हो गया, बोल दिया ठीक है बाय बाय, सामने से कोई क्वेरी नहीं, कोई रिस्पांस नहीं, फीडबैक के लिए बोला 10 लोगों ने भर दिया, यूट्यूब चैनल पे बोला भैया नहीं समझ में आया देख लो कोई गए ही नहीं, और एक्सरसाइज के लिए बोला 5-6 लोगों ने भर दी नहीं भरना है नहीं भरी, तो ये बिल्कुल नन रिस्पॉन्स कहलाता, बोलते नील नील वाला रिस्पॉन्स होता है। ओके, फिर भी हमें तो 15 दिन क्लास लेनी ही है, और जिसको फायदा हो जाए, मैं सोच रहा हूँ कोई एक बंदा जो 6 लोग चलो एक्सरसाइज कर रहे हैं उन 6 में से कोई 3 बंदे अगर इस 15 दिन में अच्छे से सीख लेते हैं तो हमें उससे भी सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जो आप लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं एक घंटा मेरे साथ, वो समय आपका
खराब हो रहा है हमारा, तो मैं तीन लोगों को सिखाकर भी अपने आप को सेटिस्फाइड कर लूंगा, कम से कम तीन लोग तो सीखे। लेकिन अगर आप लोग सोचिए कि एक कंट्री समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप लोग उससे क्या सीखे। ओके, तो थोड़ा इस बात पर ध्यान देते हैं, बिल्कुल गहरी बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि समय आपका बर्बाद हो रहा है। ओके, तो समय का सदुपयोग करें और जो मैं बता रहा हूँ उसे सीखें, और कम से कम क्वेरी जरूर पूछें कि भाई ये सब समझ में नहीं आया, रिपीट कर दीजिए, ए क्वेश्चन कैसे, वो ए ऑप्शन है इसका यूज कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे एक्सेल है, एक्सेल में तो कॉम्प्लिकेशंस होती ही हैं, तो उनको क्लियर करें। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हम फिर से इंसर्ट पर। ओके, और इंसर्ट में बिल्कुल सिंपल, जैसा कि अभी तक हमने बाइट में जो ऑप्शन देखे थे, ऑलमोस्ट वही सेम ऑप्शन हमारे एक्सेल में है इधर भी। ओके, फिर भी हम यूज करके देख लेते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल ऑप्शन तब यूज किया जाता है जब हमारी पहले से टेबल बनी हुई है। जैसे कि इधर मैं टेबल कोई बनाता हूँ, जैसे मेरी टेबल है सीरियल नंबर, नेम और फादर नेम, जैसे स्टूडेंट की डिटेल वगैरह ऐसे कुछ लिखते हैं। ओके, और सॉरी नेम नहीं लिखते हैं, कुछ और लिख लेते, नेम और सॉरी सीरियल नंबर, और मैंने कोई लिख लिया प्रोडक्ट, जो भी हम जैसे कोई परचेस की शायद सीट बन रही हो, प्रोडक्ट क्वांटिटी अमाउंट टोटल, इस तरीके से कुछ बनाया है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैंने सीरियल नंबर बन डाला, इधर कोई प्रोडक्ट खरीदा मैंने, जैसे कि कंप्यूटर खरीदा। ओके, कितने खरीदे, दो, एक का अमाउंट हुआ मान के चलो 18,000, दो का कितना हुआ 36,000। अगर एक कैलकुलेशन हमें ऑटोमेटिक करनी है तब कैसे होंगी, बिल्कुल ध्यान से सब लोग समझिए। एक कैलकुलेशन जैसे हमने 18 लिखा है, 36 लिखा, वो तो मुझे आता था तो मैंने लिख लिया। अगर हमें ऑटोमेटिक करनी है, 18,000 की जगह कुछ और होता है, जैसे कल ही था जो ये नहीं हो पाया, तो कैसे हम इन चीजों को रिसॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है, आप लोग बिल्कुल उसको यूज कर सकते हैं, जो कि मैं बताने वाला हूँ। ओके, मैंने लिया एक कैलकुलेशन को, देखो अगली लाइन में लिखने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान देखिए। दूसरा, मैंने खरीदे दो माउस, क्या खरीदा मैंने, माउस, ठीक है, कितने खरीदे, पांच। ओके, एक माउस कितने का आया, 170 रुपए का। अब 170 को मैं पांच नहीं आता मुझे, अब देखिए तो कैसे करेंगे हम, इक्वल लगाएंगे। कल भी मैंने बताया एक्सेल का बेसिक फंडामेंटल रूल है, याद रख लीजिए, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम लगाएंगे इक्वल। कोई भी फॉर्मूला है एक्स वाई जेड, अब अभी से लेकर लास्ट तक कोई भी, आपको हजारों फॉर्मूले आते हो, लाखों फॉर्मूले आते हो, लेकिन बिना इक्वल के कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फर्स्ट आप इक्वल लगाइए, और आपको क्या करना है, 70 में 5 का मल्टीप्लाई करना है। आप सीधा लिखिए D4, ये मैंने कल बताया था, D4 मतलब इधर जो D4 में जो वैल्यू है वो, ठीक है। D4 एक सेल का एड्रेस है, इस सेल का एड्रेस कैसे मीजर करते हैं, कल मैंने बताया था, D कॉलम नंबर है, 4 रो है, तो D4 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ होता है, अब न्यूमेरिकल टूल कीबोर्ड पर जाइए, कीबोर्ड के साइड में होता है, राइट साइड में, उधर आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों बने होंगे। इधर नहीं बना, आपको कहाँ जाना है, शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करना है, जो अल्फाबेट्स के ऊपर 8, फंक्शन की के जस्ट नीचे, F8 के जस्ट नीचे 8 होगा, उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो D4 मल्टीप्लाई E4, D4 में अगर हम E4 का गुणा कर देंगे तो इधर टोटल आ जाएगा, कितना आया, 850। अब देखो इस 850 को हम लेंगे, इधर एक फार्मूला हमने क्या कर दिया, बिल्ड कर दिया, इस 850 को हम लेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, कल मैंने ड्रैग करना बताया था, और सभी जगह क्या आया, 0। क्यों आया, मैंने कल ये भी बताया था कि जो ब्लैंक सेल होती है उस ब्लैंक सेल की वैल्यू होती है 0। जब किसी का भी 0 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। जब 0 रिजल्ट आएगा तो सॉरी, तो अब जो भी हम आगे लिखेंगे उनकी वैल्यू देख ले रहे हैं क्या होंगी। जैसे कि अब मैंने तीसरे नंबर पर कोई चीज खरीदने गया, मैंने खरीद लिया कीबोर्ड। ओके, बिल्कुल ध्यान से समझिए, कीबोर्ड खरीदा, कीबोर्ड मैंने 5 खरीदे, एक कीबोर्ड की कीमत हुआ 230 रुपए, टोटल कितने हो गए, 1150। इधर तो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन कंप्यूटर ने अपने आप बता दिया कैलकुलेशन क्या होगा, क्योंकि इधर हमने पहले से फॉर्मूला कोई बिल्ट करके रखा था। देखो नॉर्मली अब हम इधर कुछ भी लिख देते हैं। ओके, हमने माइनस में लिखा, माइनस में वैल्यू आई, पॉजिटिव, प्लस में लिखा, प्लस में वैल्यू आई, ऑटोमेटिकली क्या होगी, हमारी वैल्यू अपने आप एक फिक्स वैल्यू इधर बन के हमारे सामने आ गई।
ओके okay, अब जो भी वैल्यू थी वो इधर आ गई। अब हम क्या करना चाहते हैं, इधर इसका ग्रैंड टोटल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, ग्रैंड टोटल करना चाहते हैं। ओके okay, ये तो नॉर्मली चीजें, देखो हमने लिख दी, हमारी टेबल बन गई, आपको भी दिख रहा होगा हमारी टेबल बन के तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट वगैरह बने हुए बने रहने दो। अगर हमें एंट्री में से डेसिमल पॉइंट हटाने हैं तो कैसे हटाएंगे, कल ही मैंने बताया था, होम पर जाएंगे, डिक्रीज डेसिमल पर जाएंगे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट बहुत ज्यादा है, हम दो तक डेसिमल पॉइंट चाहते हैं बस। इधर से डेसिमल आइए और कितने आ गए, दो तक डेसिमल पॉइंट। इधर भी डेसिमल पॉइंट ज्यादा है, इधर आइए, डिक्रीज डेसिमल, कितने तक डेसिमल पॉइंट चाहिए हमें, दो तक, तो दो तक डेसिमल पॉइंट हमारे इधर आ गए। बिल्कुल ध्यान से सब लोग समझ रहे हैं। ओके, इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका ग्रैंड टोटल चाहिए। तो कल भी मैंने बताया था होम पर जाना है, इधर क्या करना है, ग्रैंड टोटल। इधर से क्या कर देते हैं, मर्ज, ये मर्ज का ऑप्शन मैंने कल बताया भी था, फिर भी एक बार देख लेते। देखो यूज वही ऑप्शन ऑप्शन हो रहे हैं पुराने वाले, कोई नया ऑप्शन नहीं है। ग्रैंड टोटल कितना होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। कल भी मैंने बताया था ये ऑटो सम होम में ऑप्शन होता है, बिल्कुल ध्यान से। ओके, क्लिक किया और टोटल कितना हो गया, 43,285। एक क्या हो गया, एक हमारी टेबल बन के तैयार हो गई, एक बिल टाइप का जो था हमारा वो बन के तैयार हो गया, जो कि हम एक्सेल में बेसिकली यूज करते हैं। यानी एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं, अपने कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं, कि हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बाय द वे हम इसको एडिट करते हैं, कंप्यूटर इधर 7 की जगह या 2 की जगह, इधर हमने कंप्यूटर कर दिए 3, कितने कर दिए 3, कोई एडिटिंग हुई, चेंज हुई या नहीं हुआ। अब क्यों चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल ये मैंने इसीलिए इधर मैंने पहले में फॉर्मूला नहीं लगाया था, क्योंकि इधर कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर इधर फॉर्मूला होता तो ये चेंज होता, जैसे नीचे वाले 7 में इधर फॉर्मूला है, इधर हमने 8 कंप्यूटर लगा दिए, कितने 8, एक कंप्यूटर कितने का, 123, इधर वैल्यू बढ़ गई, इधर वैल्यू बढ़ गई। इधर कंप्यूटर 123 का ना होकर इधर कंप्यूटर हो गया, इधर कितना है 984, इधर कंप्यूटर हो गया 10,000 रुपए का, कितने का हो गया 10,000 रुपए का, वैल्यू कितनी हो गई 8,000, इधर की वैल्यू नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही भाई। ओके, नॉर्मल सी बात है, आपकी सेल का स्पेस कम हो गया है, टेक्स्ट बड़ा है, हम सेल की साइज बड़ा करेंगे और हमें इधर वैल्यू दिखने लगेगी। ओके क्लियर, तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, कोई टेबल बनाते हैं। ओके, अब इस टेबल में पाइवट टेबल में लेना है इसे, तो इसे पाइवट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं होती, पता ऐसे ही होता है। ओके, अब देखो इसका क्या होगा, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट क्वांटिटी, अमाउंट, टोटल, ये 5 साइड में देख रहे हैं, इनके ही टोटल आने लगेंगे। तो 3 कंप्यूटर टोटल 3600 भैया, इधर अलग अलग पर्टिकुलर हर रो का क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन आपकी पाइवट में आ जाएगी। पाइवट का मतलब यही होता है कि आपको हर एक रो कॉलम की, हर एक कॉलम की क्या करना है, डिटेल लेनी है, हर एक कॉलम की कैलकुलेशन करनी है, तो इधर पाइवट में आ जाइए। देखो हर एक कॉलम की कैलकुलेशन अलग अलग आपको दिख रही होगी। ओके, यूज करना है करें, नहीं तो हमारा जो था बेहतर था एक कैलकुलेशन, हमें इसको अलग अलग नहीं लेके, हमें पर्टिकुलर मैनुअली लेनी है, तो ये मैनुअली जो क्या होती है, क्लियरली हमारे द्वारा बनाई गई होती है तो समझ में आती है, ये ऑटोमेटिक बनी है तो इतनी समझ में नहीं आ रही, लेकिन बना वही है जो हमने इधर बनाया है। ओके, तो इस पाइवट वाली टेबल को डिलीट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब टेबल के बाद अगला ऑप्शन पिक्चर, पिक्चर को इंसर्ट करना है। तो पिक्चर इंसर्ट करना नॉर्मली इतना कठिन कार्य तो नहीं है। अब नॉन मे बी प्रेजेंटिंग स्टॉप हो गई है, मैं फिर से प्रेजेंट किए दे रहा हूँ। ओके चलो ठीक है, कल से तो ज्यादा ऑडियंस हो गई, 43 है। और जो भी जैसा कल मैंने बताया था कि जो लोग स्टाफ से मैंने बोला था, जो भी हमारे स्टाफ में सहभागी हैं, वो सभी लोग कृपया थोड़ा सा देख लें कि आपके स्टाफ में किसे जरूरत है सीखने की, आपके स्टूडेंट में किसे जरूरत है सीखने की, तो उनको उस स्टाफ को, स्टूडेंट को आप थोड़ा फोर्स करके भी ज्वाइन करें कि आप सीखें ही, क्योंकि कल के दिन फिर वो, कल के दिन कोई काम करने के लिए आप उससे बोलेंगे, फिर वही बोलेगा सर ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो वो परेशानी आपके सामने जो डेली आ रही है उसको दूर कर सकते हैं आप। बिल्कुल उसे थोड़ा सा फोर्स करें, एक घंटे का इधर टाइम दें, सीखें, और सीखने के बाद फिर आप बोल सकते हैं कि जब सिखा रहे थे हमें, आप बता रहे थे, तब क्यों उसने ऐसा नहीं किया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इंसर्ट में। सर एक बात मैं बोलना चाहूंगी इस बारे में कि
ठीक है, अगर जैसे जो इंटरेस्टेड नहीं है या है जैसा भी है, अगर वो जबरदस्ती भी आ रहे हैं, तो आप एक एंड में आप एक वो रखिए, जब ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएंगे 15 दिन के, तो एक टेस्ट पेपर रखिए आप, जो अभी तक जो टेस्ट नहीं, एक्सरसाइज नहीं, टेस्ट जो जो जितने लोग हैं, मैं अटेंडेंस रेगुलरली ले रही हूँ, तो जितने लोग हैं सब उनसे टेस्ट लिया जाएगा, तभी इन लोगों को मतलब क्वालिफाई समझेंगे, फिर ये कोई भी नहीं बोल पाएगा कि हमें नहीं आता या हमने नहीं सीख पाया। वो इन लोगों के लिए, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं खासकर उनके लिए तो कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं। और क्या था, मैं भूल गया कहाँ था, डिस्ट्रैक्ट। हाँ, इंसर्ट में पिक्चर पर। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे, पिक्चर पर आते हैं। पिक्चर जैसे कि हमने बर्ड पे इंसर्ट की थी, सेम ऑप्शन। देखो, मैं एक ऑप्शन रिपीट किए दे रहा हूँ, पिक्चर क्लिप आर्ट शेप स्मार्ट आर्ट। जैसा कि बर्ड में थे वैसे ही आपके एक्सेल में, फिर भी मैं एक बार इन्हें रिपीट किए दे रहा हूँ किसी एक ऑप्शन को। देखो, मैं पिक्चर को रिपीट करता हूँ। पिक्चर जैसे मैंने क्या ली और इसको इंसर्ट की। अब पिक्चर जैसे हमारी इधर इंसर्ट हो गई, एक्सेल में आपको दिख रही होगी, पिक्चर इंसर्ट होके हमारे सामने आ गई। इस पिक्चर को मैनिपुलेट करना है, एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, तो हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन है पिक्चर का। इस पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। पिक्चर को छोटा करना है, आप ये पिक्चर हैंडल का यूज कीजिए। ओके, अब पिक्चर हैंडल का नॉर्मली हमने यूज किया और हमने पिक्चर को छोटा कर लिया। पिक्चर को देखो, ज्यादा देखो, नॉर्मली हमारी पिक्चर इतनी छोटी सी है और इसके चारों तरफ व्हाइट व्हाइट बहुत बैकग्राउंड आ रहा है, यानी कि हमें सफेदी हटानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा पिक्चर को। क्रॉप करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट में लास्ट ऑप्शन दिया गया है क्रॉप, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पिक्चर हैंडल है वो क्रॉप हैंडल में बदल जाएंगे और जितनी आपको पिक्चर चाहिए उतनी आप क्या कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार क्रॉप कर सकते हैं। मैंने इतनी पिक्चर ले ली, तो हमारी पिक्चर कितनी हो गई, इतनी। ओके, क्लियर। अब क्या हो गया, इसमें फिर फॉर्मेट पे गए। अब इस फॉर्मेट में ब्राइटनेस बढ़ानी है। देखो, जो ऑप्शंस, ये ऑप्शन तो मैंने पहले भी बता चुका मैं वर्ड में, फिर भी एक बार। ओके, तो एक ब्राइटनेस बढ़ानी है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है। देखो, ये देखो, पिक्चर क्वालिटी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से। ओके, पिक्चर को रिकलर करना है, ब्लैक एंड व्हाइट लेना है इस तरीके से, या फिर आपको रेड कलर में, या फिर ग्रीन कलर में, या फिर ब्लू कलर में इस तरीके से लेना है, तो ये भी आपको पॉसिबल हो पा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी डिजाइन हैं जो ऑटोमेटिक पिक्चर में फिल फिट करने के लिए आती हैं, तो जो भी आप डिजाइन चाहें वो आप फिल कर दीजिए पिक्चर में। पिक्चर आपकी उसी डिजाइन में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। आपको देख पा रहे हैं इधर स्टाइल से, मैं जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ वैसे होती जा रही है। आप ये भी नहीं चाहते हैं तो पिक्चर सेव पर जाइए, जो भी पिक्चर की आप सेव डालना चाहते हैं वो आपकी सेव इधर पिक्चर में क्या हो जाएगी, आ जाएगी। और पिक्चर सेव आप नॉर्मली आप इधर से देख सकते हैं कि मैं मनोज को रिमूव कर दीजिए। ओके, तो हम जैसे कि आगे देख रहे थे कि पिक्चर, अब शेप्स लेते हैं पिक्चर में, तो डिफरेंट टाइप की शेप्स आपके सामने दी गई हैं। देखो, ये आपकी चौकोर, या फिर जो भी शेप लेना है, ट्रायंगल लेना है, या फिर जो भी आप शेप्स डिफरेंट टाइप की दी गई हैं, सभी के नाम मुझे नहीं आते, लेकिन दिखने में जो भी आपको बेहतर लगे वो शेप आप इधर से क्या कर लीजिए, ले लीजिए। ओके, मैंने शेप ले ली। अब शेप ले ली, नहीं समझ में आ रही कौन सी ली हुई, अभी तो चौकोरी थी, चौकोरी देख रही, तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर का यूज करेंगे। ओके, इस तरीके से देखो, ये शेप हमारी क्या होगी, चेंज हुई है, और चेंज होकर के आप किस तरीके से ये चौकोर से थोड़ा सा कॉर्नर इसके रिंग शेप टाइप में बदल गए। ओके, और आगे देखते हैं, अब क्या हो गया, इस तरीके से शेप आ गई है। जिस तरीके से आप शेप लेना चाहें उस शेप में आप ऐसा को ले सकते हैं। ओके, अब हमने ले लिया वापस इसे, ठीक है।
उसके बाद इसमें कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं जैसे प्रीसेट, रिफ्लेक्शन, ओके, शेडो, गिलो, सॉफ्ट एडिट, पेबल। जैसे सॉफ्ट एडिट का क्या यूज होता है, देखो मैं बता दूं आपको सॉफ्ट एडिट का यूज क्या होता है। जैसे नॉर्मली हमने एक पिक्चर ली, इसके साथ साथ कभी कभार हम क्या कर लेते हैं, कोई दूसरी पिक्चर ले लेते हैं, या फिर कोई हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया। अब हम टेक्स्ट बॉक्स हमने ड्रॉ कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स में कोई कलर फिल कर दिया, इसको हमने बिहाइंड टेक्स्ट ले लिया। अब ये जो पिक्चर है वाइट वाला बैकग्राउंड पिक्चर का, या फिर नॉर्मली हम इसका थोड़ा शेप वाइट से मिला, हाँ ओके। अब देखो अभी पिक्चर है आपका ये वाइट वाला, अभी जो किनारे हैं पिक्चर के, इसमें ऐड करने के लिए हम सॉफ्ट एडिट का यूज करते हैं। वो कहते हैं देखो मैं बताता हूँ, सॉफ्ट एडिट में जाएंगे आप इधर इस तरीके से फिल करेंगे, इस तरीके से आप नॉर्मली देखेंगे, देखो ये पिक्चर क्या होती जा रही है, आपके बैकग्राउंड के साथ जुड़ती जा रही है, ये सॉफ्ट एडिट का यूज होता है। तो आप इन्हें जिस तरीके से यूज करना चाहें उस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपको लगे देखो नॉर्मली इधर देख रहे हैं ये पिक्चर ऐसे लग रही है जैसे ऊपर से लगी है, फिर थोड़ा इससे जुड़ जाएगी और आगे नीचे जाएंगे और जुड़ती जाएगी और नीचे पॉइंट पर आएंगे आप, इसमें पिक्चर ऐसा लगेगा कि इसी के साथ ऐड हो गई है। तो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर एडिट का यूज कर सकते हैं। बेबल इफेक्ट होते हैं, एक स्पेशल इफेक्ट होते हैं जो पिक्चर में दिए जाते हैं, जैसे मैंने ये दे दिया। अभी इफेक्ट देने के बाद पिक्चर में क्या फर्क पड़ा तो ये समझेंगे हम 3D देकर। देखो ये मैंने 3D इफेक्ट दिया, आप समझ रहे देख पा रहे होंगे कि आपकी पिक्चर का जो इफेक्ट था वो कुछ अलग ही हो गया। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें तो आप नीचे जाइए बेबल में 3D ऑप्शंस में और इधर जो डेप्थ है इनको बढ़ा दीजिए। जैसे आप डेप्थ बढ़ाएंगे पिक्चर आप देखिए कुछ अलग ही टर्न ले लीजिए इस तरीके से, दिख रहा होगा ओके। और भी ऐसे एक ही यही ऑप्शन नहीं है कि आप इसी से कुछ जो भी चाहें कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है लाइक दिस। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है, इनको पिक्चर्स को हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इधर जाइए जितना एडिटिंग आपको लेनी है, जितना आप करना चाहें उतनी एडिटिंग कीजिए और उतनी एडिटिंग के बाद आप अपनी पिक्चर को सेट कर दीजिए। जैसे मैंने अब ऐसे सेट किया, अब इसे हम 3D कोई नया दे देते हैं तो इस तरीके से, इस तरीके से, और आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग ही तरीके से ऐसा राइट लिखा दिख रहा है। ऐसा नहीं है नॉर्मल था लोगो ही जो हम लोग डेली यूज कर रहे हैं ओके, लेकिन इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया तो इसके लुक में कितना चेंजेज हुआ। ऐसे हम इसके लिए कोई स्पेशल ऐप या स्पेशल सॉफ्टवेयर भी यूज नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं MS Word ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने यूज कर सकते हैं इनको 3D और बेबल को या सॉफ्टवेयर इसको, तो जो भी आपको बेहतर लगे वो आप यूज करें और आगे बढ़ें ठीक है। इसके बाद आगे ऑप्शन देखते हैं हम, जैसे कि टेप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट सभी सेम है, इसके लिए जो जैसे थे वैसे ही रहने दो ओके। और अगर इनमें से आपको लगता है कि कोई ऑप्शन फिर से रिपीट करना है, वर्ड आपको समझ में नहीं आया, तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा अभी के सेशन के बाद ठीक है। अभी आते हैं हम चार्ट पर। चार्ट जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ड में जो हम बता रहे थे, बोल रहे थे चार्ट जो ऑप्शन है एक्चुअली वो है एक्सेल के, लेकिन वर्ड में ऑप्शन डाल दिया गया ओके। तो ऐसे ही इसमें अब एक्सेल में चार्ट हम कैसे तैयार करेंगे, नॉर्मली हम देख लेते हैं कैसे तैयार होते हैं एक्सेल में चार्ट। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, मैंने जैसे कोई लिखा, मैंने लिखा कलेक्शन का एक चार्ट बता रहे हैं हम, कलेक्शन चार्ट कोई, देखो मैंने ऐसे क्या कर लिया, मर्ज कर लिया कलेक्शन चार्ट, जैसे की कलेक्शन का हुआ है, तो इसमें की ही होती है कलेक्शन और तो कुछ होता नहीं है ओके। तो मान के चलते हम जनवरी, JANUAR जनवरी ओके। जनवरी में फर्स्ट वीक, वीक वन, हेलो स्पेलिंग गलत लग गई, वीक टू, वीक थ्री और वीक फोर ओके। जनवरी के बाद कौन सा आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, नवंबर, दिसंबर ठीक है। वीक वीक फोर ये सेम रहेगा सभी में, अगर वीक फाइव होगा किसी में तो वीक फाइव ही डालो आपकी मर्जी, हम तो सभी में वीक फाइव कर लेंगे ठीक है। अब इसमें कलेक्शन हुआ पी का, आप कह रहे जैसे इसमें हुआ 2,00,000 रुपये या 2,30,000 रुपये, जैसे जो हमें डालना
ऐसे इसमें कुछ कलेक्शन हुआ जो भी, हमारा ऐसा नहीं है कि इतना ही हुआ है, जो भी आपको डालना हो वो आप डाल सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा चार्ट को छोटा करूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मुझे टेक्स्ट ज़्यादा टाइप करना पड़ता है। तो क्योंकि बिना रो मटेरियल के हम कोई काम एक्सेल में नहीं कर सकते, हमें जरूरत होती है रो मटेरियल की। ओके, तो बिना रो मटेरियल के तरह है ही नहीं कि हम एक्सेल में कोई काम कर पाए। तो हमें सबसे पहले बनाना होता है डाटा, इस पर हम क्या करें कोई काम करें। अगर हम कोई हमारे पास डाटा ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर काम नहीं कर पाएंगे। 0, 120 और 1, 2, 3 करके। अब हम क्या करते हैं, इसका चार्ट बनाना है। हम सेलेक्ट करेंगे नॉर्मली, इस टेबल थी हमारे सामने, आपको दिख रही है टेबल। ओके, मैं व्यू कर ले रहा हूँ थोड़ा बड़ा आपके सामने, हमने अभी एक टेबल बना के रखी है। ये टेबल अब फी कलेक्शन का चार्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम सेलेक्ट करेंगे इसे, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और कॉलम सामने दिया है, बहुत सारे चार्ट इधर दिए गए हैं आपको देखे हैं। नॉर्मली इधर क्लिक करें, ओके, चार्ट ऑप्शन में तो देखो इधर बहुत सारे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्सवाई स्कैटर, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, बबल चार्ट, रडार चार्ट, जो भी आपको लेना है। हम ले लेते हैं अभी कॉलम चार्ट, मोस्ट पॉपुलर चार्ट। ओके, इसमें से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने क्या बन गया, एसी डाटा का चार्ट आपके सामने बन के आ गया, आपको भी दिख रहा होगा। ओके, अब इस चार्ट में क्या करना है, नॉर्मली आप देखेंगे इस चार्ट में क्या है, जो हमने वैल्यू इधर दी थी, देखो इस वैल्यू जनवरी इस कलर में है, फरवरी आपकी अलग कलर, मार्च कलर, अप्रैल के कलर, मई के कलर, एक कलर हमें पसंद नहीं आ रहा, हम बदलना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम कलर बदलेंगे, इससे थोड़ा डार्क कलर, तो फॉर्मेट में आएंगे, हमने जनवरी का कलर दिया भाई ग्रीन, फरवरी का कलर दिया हमने येलो, हमने मार्च का कलर दिया ब्लू, अप्रैल का कलर दिया जो भी कलर होता है मुझे नाम पता नहीं, और मई का कलर दिया मैंने पर्पल। अब आप देखो कलेक्शन, ओके, जनवरी में कितना होगा, फरवरी, ऑटोमेटिक आपको ये समझ में आ रहा होगा चार्ट में, ये येलो टावर बहुत बड़ा बना हुआ है। येलो टावर पर जैसे क्लिक करेंगे पता चल जाएगा ये वीक फाइव का येलो टावर है। ओके, कौन से कलर का है, फरवरी, वीक फाइव फरवरी, फरवरी के वीक फाइव में जाएंगे सबसे ज्यादा कलेक्शन है 12 लाख। इतना ज्यादा कलेक्शन है तो सबसे बड़ा टावर। अब इसमें हम कनेक्शन छोटा कर देते हैं, 1,35,000 टावर क्या हो गया, छोटा हो गया, बाकी टावर इससे बड़े देखने लगे। मैक्सिमम कलेक्शन कितना है, 6.5 लाख का, कब है, वीक फोर, कौन से महीने में, मार्च के महीने में, मार्च के महीने में वीक फोर में सबसे ज्यादा कलेक्शन है 6,52,241। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। चार्ट में कुछ हेडिंग डालनी है, बैकग्राउंड डालना है, आप बिल्कुल आसानी से डाल सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें कोई बिल्कुल अलग से ऑप्शन यूज नहीं करने का, इससे ऑप्शन का यूज करके हम ऐसा करेंगे। ओके, अब फी कलेक्शन चार्ट था तो नॉर्मली इसका नाम फी कलेक्शन चार्ट डालेंगे। कहाँ डालेंगे वो देखो मैं लिख के बता देता हूँ, चार्ट देखो कहाँ कैसे डालना है इसमें फी कलेक्शन चार्ट। तो सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट में और जाएंगे आप टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स में जहाँ आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कीजिए और लिखिए फी कलेक्शन जनवरी टू मई 2019-20 जो भी डालना है आपको, आपकी मर्जी। ओके, एक ही कलेक्शन चार्ट है। अब इसमें कुछ डिजाइन करनी है तो फॉर्मेट में जाइए, जो डिजाइन आपको पसंद आए वो डिजाइन कीजिए। जैसे इसका हमें बैकग्राउंड को चेंज करना है, जो भी करना हो वो कर लीजिए। बैकग्राउंड पिक्चर डालनी है तो पिक्चर पे जाइए, पिक्चर डालिए भाई, बैकग्राउंड में SRI का SRI डाल दीजिए, जो भी आपको मन करे उस तरीके से। आपके सर स्टॉप प्रेजेंटिंग हो गई है। ओके,
राहुल यादव आप बार बार प्रेजेंट कर रहे हैं, प्लीज प्रेजेंट मत कीजिए सर, आपकी फिर से चली गई स्क्रीन। तो अभी हम कहाँ थे, एक्सेल के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे। ओके तो हमारी प्रेजेंटेशन थी वो बंद हो गई, चार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम वापस चार्ट पर आते। तो सामने देखो मैं देख बता रहा था कि अगर हम किसी भी तरीके चार्ट, जैसे मैंने SRI की पिक्चर इधर डाल दी और भी कोई पिक्चर डालने थे, पिक्चर में आना चाहते इस तरीके से SRI लिखना चाहते, वो आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें इस चार्ट को आप अपने हिसाब से वैसे क्या कर सकते हैं फिट कर सकते हैं। ओके और व्हाइट वाला बैकग्राउंड बाहर है, तो इस व्हाइट बैकग्राउंड पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ए बैकग्राउंड हमें पसंद नहीं आ रहा, हम कोई दूसरा रंग देना चाहते हैं, देखो मैंने दे दिया। अंदर वाला बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, चेंज हो गया। ओके इन प्लस का कलर चेंज करना चाहते हैं, हो गया। इन प्लस में पिक्चर डालना चाहते हैं, देखो पिक्चर भी डल जाएगी वही प्लस में, देखो SRI की पिक्चर सभी प्लस में आपको दिख रही होगी। ओके इन पिक्चर्स में अगर हम जैसे ग्रेडियंट डालना चाहते हैं, ग्रेडियंट डाल देंगे, हम इन पिक्चर्स में टेक्सचर डालना चाहते हैं प्लस में टेक्सचर डाल जाएंगे। ओके नॉर्मली जैसा आप एडिट करना चाहें आपके हिसाब से पूरा मैनिपुलेट होकर चार्ट चल जाएगा। ओके और जो क्वेरीज हैं वो चार्ट में उससे पूछ लीजिए। ओके अब हम देखते हैं और लेआउट की बात करते हैं, जैसे कि नॉर्मली ये तो था हमारा 2D चार्ट, हम चेंज करना चाहते हैं चार्ट के टाइप को, तो चेंज चार्ट टाइप में आप आ सकते हैं, इंसर्ट में से भी जाकर डिफरेंट टाइप के चार्ट हैं, लेकिन इधर ना जाकर हम आएंगे कहाँ, डिजाइन में चेंज चार्ट टाइप, इसी को हम 2D कॉलम में था हमने 3D कॉलम में ले लिया। ओके ये क्या हो गया, 3D कॉलम में आ गया, आपको दिख रहा होगा 3D कॉलम, 3D कॉलम में भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, नीचे ये और 3D कॉलम के ऑप्शन है, देखो इस तरीके से ले लीजिए, दिख रहा होगा। ओके इसके अलावा आप लाइन चार्ट ले लीजिए, लाइन में आएगा आपका, देखो अलग अलग महीने की किस तारीख पे वीक फर्स्ट में कितना कलेक्शन, वीक थर्ड में कितना कलेक्शन, ये हर एक वीक हर एक महीने की अपनी अपनी एक पर्टिकुलर लाइन चल रही है, ठीक है। और आगे आइए पाई चार्ट ले लीजिए, पाई चार्ट में देखेंगे क्या चल रहा है भैया लेदर। ओके तो पाई चार्ट में आपको नॉर्मली सभी वीक्स का कलर सेम हो गया, इस वजह से पूरा अब वीक्स का कलर बदलना चाहते हैं तो आप वीक्स का कलर भी बदल सकते हैं, कैसे, देखो ये मैंने एक वीक सेलेक्ट किया उसको कलर दे दिया ब्लैक, दूसरा वीक सेलेक्ट किया इसको कलर दे दिया ब्लू, तीसरा वीक सेलेक्ट किया इसका ऊपर कलर दे दिया, और सॉरी हो गया ए वे सेलेक्ट किया इसको कलर दे दिया, ये वाला पिक सेलेक्ट किया तो इधर इसको कलर दे दिया, ये जनवरी का चार्ट बन गया। जनवरी का क्या है, वीक फर्स्ट वीक सेकेंड वीक थर्ड। ओके ए अब फरवरी का अलग बनाना पड़ेगा, मार्च का अलग बनाना पड़ेगा, मई का अलग बनाना पड़ेगा, जून का अलग, इस तरीके से हमारा क्या बन सकता है चार्ट भी आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ओके अब हम जाते हैं बार चार्ट पर, तो बार में भी हम जो भी ऑप्शन लेना चाहें जैसे दिए गए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ उसी तरीके से भी ले सकते हैं। ओके आपको दिख रहे होंगे, और XY में लेना चाहते हैं वैसे नॉर्मली इसका तो XY देखो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, XY का मतलब लाइन चार्ट की तरह ही होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो डिफरेंट टाइप के चार्ट हैं, जैसा आप लेना चाहें उस तरीके से आप क्या करें इनको सेलेक्ट कर लें।
नॉर्मली जैसा कि आप लोग देख रहे थे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, और डिफरेंट टाइप के चार्ट्स का आप लोग अपने तरीके से जहां चाहें वैसे मैनिपुलेट करके क्या कर सकते हैं। ओके सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो बीच में कॉल आ गया था इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो जो मैं बता रहा था कि चार्ट देखो डिफरेंट टाइप के चार्ट हमने क्या किया इंसर्ट किए और डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज भी उनकी बनाई। तो जहाँ जैसी जरूरत होती है उस तरीके से चार्ट हम यूज कर लेते हैं। बेसिकली हम जो चार्ट यूज करते हैं वो 2D कॉलम ही चार्ट का यूज करते हैं। ओके यानी कि जो कि नॉर्मली कॉलम चार्ट होता है आसानी से समझ में भी आता है और बड़े आसानी से बन भी जाता है। और भी हमें चार्ट बनाने हैं तो हमारे पास बहुत सारे चार्ट अवेलेबल हैं। हम चार्ट का अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का चार्ट है। ओके तो बबल चार्ट बोलते हैं इसे। ओके तो ये कलेक्शन शो कर रहा है आपका कहाँ ज्यादा हो रहा है कहाँ कम हो रहा है। ठीक है तो इस तरीके से अपने टाइप के चार्ट क्या कर सकते हैं एक्सेल में बना सकते हैं। जैसे ही हम चार्ट की वैल्यू चेंज करेंगे इधर उसी प्रकार से चार्ट अपने आप बदल जाएंगे यानी इनकी जो कलर्स हैं वो अपने आप से ऊपर नीचे दाएं बाएं डाउन अप होते जाएंगे। तो जैसे कि लिया मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं। जैसे कि वैल्यू थी 2,30,000 की। ओके इसका आप कलर देख रहे हैं इधर बना हुआ है। अब मैंने इसकी वैल्यू कर दी 1 रुपये तो इसका कलर क्या होगा बिल्कुल नीचे चला गया। इसकी वैल्यू कर देते हम बहुत ज़्यादा कुछ 11 लाख रुपये तो 11 लाख पर ही अपने आप वैल्यू पड़ गई। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं इनको चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके अब चार्ट के बाद हमारे अगले ऑप्शंस हैं हाइपरलिंक टेक्स्ट बॉक्स हेडर फुटर जो कि हम पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं फिर भी मैं एक बार बता दूं इसमें हेडर फुटर थोड़ा डिफरेंट डालता है। जैसे हम हेडर फुटर डालेंगे आपका जो एक्सेल है वो पेज अलग अलग पेज के जो ऑप्शन हैं उनमें बट जाएगा यानी जो अलग अलग पेज दिख रहे हैं उनमें बट के दिखने लगेगा ये चार्ट। तो इस तरीके वो सॉरी पेज और इधर जो हम हेडर डालना चाहते हैं मैंने डाला SRI झांसी। जैसे मैंने SRI झांसी इधर डाला नॉर्मली आप देखेंगे सभी पेज पर सॉरी चल नहीं पाया SRI JHANSI मैंने इधर SRI झांसी लिखा तो आप देखेंगे सभी पेज पर ऑटोमेटिकली SRI झांसी और आगे भी जितने भी पेज हैं सभी में SRI झांसी क्या हो गया लिख गया। ओके अब क्यों लिख गया है क्योंकि हेडर है एक बार एप्लीकेबल होने पर सभी पेज पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है लिख के आने लगता है। तो जितने भी पेज हैं सभी पर क्या लिखा हुआ है SRI झांसी लिखा हुआ है। इसी तरीके से फुटर डालना चाहते हैं तो हम फुटर पर लिखेंगे जैसे मैंने लिख दिया जैसे मैंने फुटर पर लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5 तो आपके क्या होगा फोटर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी पेज पे लिख के फर्स्ट पेज पर सेकंड पेज पर थर्ड पेज पर फोर्थ पेज पर जहां जिस पेज पर भी हम जाएंगे इधर ये अपने आप लिखा मिलेगा। ओके तो इस तरीके से हम हेडर और फुटर दोनों चीजें एप्लीकेबल कर सकते हैं अपने एक्सेल में। ठीक है इसके बाद बार डार्ट। इसकी बार डार्ट भी थोड़ा डिफरेंट होती है आपके नॉर्मली बार डार्ट बहुत सारे डिजाइन थी इसमें बार डार्ट में सिंपलिस्टिक डिजाइन है जो आप डिजाइन लेना चाहें जैसे कि मैंने ये लेरी डिजाइन लेने के बाद लिखा और जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें जैसे मैंने लिखा श्री रावत क्रॉसर का तो श्री रावत पूरा सरकार
लिखा। ओके अब इसको हमें क्या करना है, छोटा करना है। नॉर्मली जैसे होम पर फॉर्मेटिंग होती थी वैसे नॉर्मल टेस्ट की तरह इनकी फॉर्मेटिंग होगी, अलग से इसमें फॉर्मेट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितना बेहतरीन तरीके से राष्ट्र सरकार आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, दिख रहा है। ओके तो इस तरीके से आप इसे आप जहाँ ले जाना चाहें उधर उठा के रख सकते हैं और इस तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी आपकी स्टाइल्स दी गई हैं, एक तो मैंने लेके देखी। अब इसके अलावा जैसे पर्पल कलर में यूटेक्स हेयर, तो आपके जैसे पर्पल कलर में जो भी आया था टेक्स्ट वो लेके आ गया। और भी इनको हम चेंज करना चाहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको दिख रही होंगी अलग अलग स्टाइल्स। ओके सिंपल से तरीका जैसे कि पर बर्ड बताया नहीं मैंने, बर्ड का जो शेड्यूल डाला था वो 3 दिन का डाला था, बाकी सब 2 दिन 1 दिन ऐसे, क्योंकि नॉर्मली 15 दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी से हो जाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर ही रहे हैं और जल्दी जल्दी बताने की भी। तो जल्दी जल्दी बताने में बहुत सी चीज़ें क्या हो जाती हैं, छूट जाती हैं। अब छूटने की वजह से क्या हो जाएगा, बाद में दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं बोलता जाता हूँ कि आपको क्वेरी करते जाइए, जैसे फायदा भी मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन आप लोग उसको पूछ लीजिए, भाई ये चीज़ छूट गई है सर, ये चीज़ मुझे ज़रूरत है, ये चीज़ मुझे बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। ओके तो आगे बढ़ते हैं हम एनसीईआरटी में। तो हेडर फुटर हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन इतना इम्पोर्टेंट ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं ऐड एक सिग्नेचर सिग्नेचर लाइन। और इस पर हम क्या करेंगे, ओके करेंगे तो देखो नाम आ जाएगा। आप किसके सिग्नेचर कराना चाहते हैं, मैंने लिख दिया भाई उपेंद्र शर्मा के सिग्नेचर में करना चाहता हूँ। उपेंद्र शर्मा, ठीक है, उपेंद्र शर्मा का वही टाइटल क्या है, तो ट्रेनर मतलब डिजिग्नेशन क्या है। ईमेल एड्रेस अगर आप डालना चाहते हैं, मैंने डाल दी भाई कोई भी ईमेल एड्रेस और ओके कर दी। जैसे ही ओके किया देखो इस तरीके से उपेंद्र शर्मा ट्रेनर बन के आ गए। इधर ईमेल एड्रेस तो नहीं आ रही, जहाँ एक्स लिखा है उधर आपके सिग्नेचर बन के आ सकते हैं। कैसे, जब आप के पास डिजिटल सिग्नेचर हो, यानी एक ड्राइव बनती है डिजिटल सिग्नेचर की, तो वो डिजिटल सिग्नेचर की ड्राइव इधर जाकर आप इंसर्ट करा सकते हो। लेकिन आप नॉर्मली कट कॉपी पेस्ट करके भी अपने सिग्नेचर कॉपी कर लीजिए, इधर पेस्ट कर दीजिए, तब भी आपका सिग्नेचर इधर आ जाए, ठीक है। इसके बाद सिम्बल्स जो कि मैंने बताए थे, ढेर सारे सिम्बल्स इंसर्ट कर सकते हैं हम इधर। ओके जैसे कि मैंने अपने हिंदी में कुछ ऋषि कर लिखा था तो वो ऋषि करके लिख गया था, तो आज भी वैसे ही जो चाहे वो इंसर्ट कर सकते हैं अंदर से। और इंसर्ट करके आप जैसे मैंने विंडो की विंडो लिया इंसर्ट कर दिया, जैसे मैंने हम लिया इंसर्ट कर दिया, वहाँ लिया इंसर्ट कर दिया, पा लिया इंसर्ट कर दिया, बीटा लिया इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, पाई लिया इंसर्ट कर दिया, और प्लस माइनस लिया इंसर्ट कर दिया, कॉपी राइट लिया इंसर्ट, रजिस्टर लिया इंसर्ट कर दिया। और ये सारे इंसर्ट होकर कहाँ जा रहे हैं, जहाँ मैं लिख रहा था, आपको दिख रहे होंगे इधर इंसर्ट हुए सारे कैरेक्टर, इधर क्या हो गए इंसर्ट हो गए। तो इधर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन कैरेक्टर्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं, पेज लेआउट में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेज लेआउट एक्सेल के मायने में। ओके अभी हम वर्ड पर जो लिख रहे थे वो नॉर्मली अच्छा था, ऐसा नहीं था वो कि हमने कुछ गलत लिखा। अब हम पेज लेआउट पर आते हैं। पेज लेआउट पर ये मैंने टेबल की इसे कॉपी कर लिया, कॉपी करके इस पेज पर इस शीट पर पेस्ट कर लिया। ओके एक ही बार नहीं, ये मैंने बहुत बार पेस्ट किया, इधर पेस्ट किया फिर मैंने इधर पेस्ट किया। क्योंकि एक्सेल में बहुत बार ऐसा होता है कि डाटा बड़ा हो जाता है लिखने में और हमारे फिर पेज में नहीं बनता। ये ऐसे ही मैंने क्या कर लिया, डाटा को लिख लिया। अब ये डाटा, अब इसे हमें क्या करना है, पेज लेआउट नॉर्मल सी बात है, एक पेज को सेट करने का ऑप्शंस हैं वो सभी पेज लेआउट पर हमारे पास अवेलेबल है। अब ये जो पेज है आपके सामने लिखा हुआ है अक्सर, ये हम प्रिंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। हम कहाँ जाएंगे, ऑफिस बटन पर जाएंगे, सबसे पहले प्रिंट में जाएंगे, प्रीव्यू पर
देखेंगे। अब प्रीव्यू पर हमने जैसे देखा ये 3 पेज में आ रहा है, हमें कैसे पता चला ये 3 पेज में आ रहा है? इधर नीचे जाइए, सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर में ऑफिस बटन के जस्ट, जहाँ ऑफिस बटन होता है ना आपके उधर, उसके सॉरी स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन के जस्ट ऊपर उधर देखिए कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में, ओके आपके लैपटॉप में लेफ्ट कॉर्नर और नॉर्मल सॉरी स्टार्ट बटन होगा, अगर मोबाइल है तो आप लेफ्ट कॉर्नर में सबसे नीचे आइए और उधर लिखा होगा 1 of 3, यानी 3 पेजों में से पहला पेज है। इधर से मुझे पता चल गया कितने पेज में पेज प्रिंट हो रहा, 3 पेज में, फर्स्ट पेज ये है, ऊपर जाएंगे नेक्स्ट पेज करेंगे, सेकंड पेज ये रहा, थर्ड पेज ये रहा। अब थर्ड पेज पे क्या प्रिंट हो रहा भाई, थोड़ा छोटा छोटा केवल, लेकिन हम चाहते हैं ये सभी केवल एक ही पेज पर प्रिंट हो। बहुत ऐसी कंडीशंस ऐसे हो जाती हैं कि हमें इस एक पेज पर, पहले हमने 2 पेज पर कर लेते हैं क्योंकि नॉर्मली हमारे थर्ड पेज पर छोटा ही से ऑप्शन आ रहा है, ओके। अब इसे 2 पेज पर कैसे करेंगे, हम जाएंगे मार्जिन्स में, कहाँ जाएंगे मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन की जगह हम नैरो मार्जिन यूज करेंगे। नैरो मार्जिन जैसे यूज करेंगे अब हम क्या करेंगे, इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कितने पेज आ रहे हैं नीचे आपको देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में। अब आ गए 2 पेज, मार्जिन मैंने नैरो कर दी, यानी मार्जिन बिल्कुल किनारे, जो स्पेस छूट रहा था इधर साइड से, अब देख रहे हैं इधर साइड से क्या हो रहा था, स्पेस छूट रहा था, वो स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। इन इन स्पेस को हम क्या कर सकते हैं, नीचे ऊपर लाइंस को कर सकते हैं, तो हमारे क्या हो गया, अब 2 पेज में आ गए। लेकिन अब 2 पेज में भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 पेज में। तो अब क्या होगा, अब 1 पेज में लाना है, थोड़ा मुश्किल वाला काम है लेकिन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, हम सबसे पहले जाएंगे इसे अब लैंडस्केप में ले लेंगे। अब लैंडस्केप में मैंने लिया तो फिर से प्रिंट प्रीव्यू लेने से क्या, अब लैंडस्केप में मैंने लिया तो ये तो नॉर्मली 1 की जगह 4 पेज में होगा। अब देख रहे हैं कितने पेज में होगा, 4 पेज में, 1 2 3 4, अभी तो 2 ही में आ रहे थे, अब कितने में होगा, 4 पेज में। अब हम सही कैसे करेंगे, हम जाएंगे पेज लेआउट पर वापस, और उधर जहाँ 100 लिखा हुआ है, पेज लेआउट पर जहाँ 100 लिखा हुआ है उधर स्केल बिल्कुल स्केल टू फिट, सामने ऊपर देखो मेरा स्केल जहाँ लिखा हुआ है इस तरह 100 लिखा हुआ है, इसे 100 से थोड़ा डाउन आएंगे 95 90, लाइन बिल्कुल देखते रहिए, लाइन पेज के एंड पर जानी चाहिए तभी पेज अंदर आएगा, 85 अभी नहीं रह गया थोड़ा भाई, अभी 80 थोड़ा सा रह गया, अब थोड़ा सा रह गया और मैंने ले लिया 75, इससे कम नहीं आती, 75 से अगर हम कम आ जाएंगे तो हमारा टेक्स्ट बहुत छोटा हो जाएगा, यानी आप पेज पर देखेंगे क्लियरली तो दिखाई भी नहीं देगा। तो अब क्या करेंगे, अब बिल्कुल छोटा सा ऑप्शन है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को और थोड़ा फॉन्ट स्टाइल 1 पॉइंट उसकी कमा देंगे, कितनी होगी 10 पॉइंट फॉन्ट स्टाइल, 10 पॉइंट में जाके हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे ऑटो फिट कॉलम फिट, फिर मैं सारे ऑप्शन बिल्कुल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसको हमने डिलीट कर दिया, एक्स्ट्रा थी तो डिलीट कर दिया, इनको हमने क्या कर लिया, जरूरत जितने की जहाँ थी उतना ले लिया और आप देख रहे हैं हमारे 1 पेज पर ही फिट हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली इसको सीट को फिट कर सकते हैं नॉर्मली अपने 1 पेज पर, यानी हमारी जो सीट थी पहले 3 पेज में आ रही थी, फिर 2 पेज में आई, 2 पेज के बाद फिर वो 1 पेज में आई, सॉरी 2 पेज के बाद 4 पेज में आई, और हमने उसे सेट करके क्या कर लिया, 1 पेज में कर लिया। ऑप्शन कौन से यूज किए, ऑप्शन यूज किया हमने मार्जिन ऑप्शन, ओरिएंटेशन ऑप्शन और स्केल टू फिट ऑप्शन, इन 3 ऑप्शंस का यूज करके हम कोई भी पेज जो आपके सामने देख रहा हो उसे छोटा या बड़ा, मतलब 2 पेज से 1 पेज में, 1 पेज से 2 पेज में, उसी हिसाब से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब बात आती है आगे पेज साइज, जो भी आप लेना चाहें हम एक्सेल में बता भी चुके हैं आपको, उसमें पार्ट में मैंने ये फोर ले लिया, ओके। प्रिंट एरिया, अब प्रिंट एरिया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसका, अब प्रिंट एरिया से यूज ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे बिल्कुल हम देखते हैं, ओके। अभी 100% है, अब नॉर्मली 100% है, हम इसे प्रिंट कर रहे हैं, और प्रिंट कर रहे हैं तो कितने पेज में हो रहा है, 4 पेज में प्रिंट हो रहा है, कितने पेज में प्रिंट हो रहा है, 4 पेज में। लेकिन हम तो एक ही पेज प्रिंट करना चाहते हैं, 4 पेज नहीं करना चाहते, इतने पेज फालतू लिखा हुआ, हमारा जो 1 पेज में वो चाहिए, तो 1 पेज को क्या करेंगे हम सिलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया पे जाएंगे और क्या कर देंगे, सेट प्रिंट एरिया, और जैसे सेट प्रिंट एरिया करेंगे ये डॉटेड लाइन आपकी डैशेस लाइन जो है वो आपके चारों इसके पेज के चारों तरफ बन जाएगी, ये जो लाइन है यही आपके पेज को बताती है प्रिंटेबल एरिया को। नॉर्मली आप देखेंगे केवल उतने ही एरिया प्रिंट हो रहा है जिसे हम बोल रहे हैं पेज 1 of 1, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं प्रिंट एरिया को फिक्स कर सकते हैं,
और सिलेक्ट करके इधर जाएंगे क्लियर प्रिंट एरिया, तो ये प्रिंट एरिया ऑटोमेटिकली हट जाएगा और चारों पेज प्रिंट होने लगेंगे। इसके बाद पेज ब्रेक, आप कहाँ से पेज ब्रेक करना चाहते हैं, जहां से करना चाहते हो उधर क्लिक करो और इंसर्ट पेज ब्रेक कर दो, उधर से पेज ब्रेक हो जाएगा। वही देखो इधर से डैशेस बन गए। क्या इन्हें हटाना चाहते हो, रिमूव ऑल पेज ब्रेक कर दीजिए, सिलेक्ट करना पड़ेगा ये वाला, कर दीजिए रीसेट ऑल पेज ब्रेक, तो सभी पेज ब्रेक नॉर्मल हो गए। ओके, इसके बाद अब देखो आते हैं, तो स्केल वाला हो ही गया। इसके बाद ग्रिड लाइन पर आते हैं, ये ग्रिड लाइन आपको दिख रही है, ये नॉर्मली हमें नहीं देखनी है, तो व्यू से हटा देंगे, तो आपको पूरे पेज ग्रिड हट जाएंगे, प्लान हो जाएगा पेज। दिख रहा है जो बॉर्डर हमने बनाए थे वही दिख रहे हैं वही, अगर हम बॉर्डर भी हटा देंगे इधर से तो आपको बॉर्डर भी नहीं देखेंगे। ओके, देखो मैंने बॉर्डर हटा दिया। अब देखो प्लान पेज क्या हो गया, प्लान देखने लगा, क्यों देखने लगा, मैंने ग्रिड का जो व्यू ऑप्शन था वो हटा दिया। ओके, अब मैंने फिर भी ऊपर क्लिक किया, ग्रिड देखने लगे। अब ये ग्रिड नॉर्मली आपको पता है प्रिंट नहीं होते, प्रिंट जब हम करते हैं तो ये प्लान ही दिखता है, तो हम चाहते हैं ग्रिड प्रिंट भी हो, तो इधर नीचे प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने प्रिंट पर क्लिक किया और आपकी ग्रिड इधर डॉटेड लाइन में दिखने लगे, प्रिंट होने के लिए तैयार है। ठीक है, इसी तरीके से आप हेडिंग वो आती है जो ए बी सी डी रो हेडिंग कॉलम हेडिंग वो हटाना चाहते हैं, तो देखो रो कॉलम हेडिंग रो हेडिंग ये हट गई, इधर से आएंगे तो वापस आ जाएंगे आगे, और इनको प्रिंट भी करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पर जाइए, तो क्या हो जाएंगे प्रिंट होने लगेंगे। देखो ये कंट्रोल के साथ एफ टू और ए बी सी डी के साथ ही ये प्रिंट हो रहा है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज हो गया इंसर्ट और पेज लेआउट, और इसके बाद इनमें जो भी क्वेरीज हैं वो समझ लीजिए, कल मैं बताऊँगा फॉर्मूला डाटा रिव्यू व्यू, यानी कल एक्सेल खत्म हो जाएगा। आज जो क्वेरीज हैं वो बिल्कुल बेझिझक करके आप क्लियर कर लीजिए, जैसा कि मैंने बताया है, अगर समझने में दिक्कत आ गई या रिपीट करना चाहते हैं पूरे सेशन को फिर से, तो बिल्कुल मैं बता दे रहा हूँ आपको यूट्यूब पर कर जाना है, और यूट्यूब पर जाके आप उस सेशन को दोबारा से पढ़ सकते हैं। कैसे देखेंगे मैं बता दे रहा हूँ, तो सिंपल सा ऑप्शन है, आप जाएंगे ओके, आप जाएंगे क्रोम पर। ओके, क्रोम पर आप टाइप करेंगे youtube.com, और जैसे नॉर्मली आप क्रोम पर यूट्यूब, अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में सबके में यूट्यूब ऐप है, और ऐसा तो नहीं है किसी के में नहीं होता, सब लोग यूट्यूब चलाते हैं, सब लोग यूट्यूब देखते हैं, लेकिन कुछ गाने आने वगैरह देखते रहते, पढ़ने की चीजें नहीं देखते। पढ़ने की चीज़ें देखने के लिए भी YouTube बहुत ही अच्छा मीडियम है, इधर आप जो भी चाहें चीज़ें चाहें जो भी पढ़ना चाहें वो आपको इधर मिल जाएंगी। इधर आपको लिखना है उपेंद्र शर्मा और कंप्यूटर, और शर्मा जरूर डालना है, अगर उपेंद्र कंप्यूटर डालोगे तो किसी दूसरे का चैनल खुल जाएगा, तो आपको उपेंद्र शर्मा कंप्यूटर इस तरीके से लिखेंगे और सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा उपेंद्र शर्मा कंप्यूटर लेक्चर का एक चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करना है तो कर दीजिए, और इसके बाद इसे आप खोलेंगे, और जैसे ही आप खोलेंगे और इधर मेरे वीडियो जो पड़े हुए हैं वर्ड के एक्सेल के आपको दिख जाएंगे, तो कल का देखो जो एक्सेल का पड़ा हुआ है वो ये है। इसके बाद आगे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, सॉरी आगे भी वीडियो जो होंगे वो अपलोड होते रहेंगे।